मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैनसी और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से टेलीग्राम से लगातार साइबर फ्रॉड बढ़ते जा रहा है, तो वही ये मुंबई पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग जरूर नजर आता है। मगर ऐसे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मुंबई पुलिस ने 4 ऐसे लोगों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है जो कि एक लिंक देते थे और टेलीग्राम के ग्रुप में उन्हें ज्वाइन करते थे और वहाँ से उन्हें यूट्यूब पे वीडियो लाइक करने को कहा करते थे, जिसके बाद में उन्हें पैसा मिलता था। ऐसा बोल के उन्हें उकसाया जाता था, लालच दिया जाता था। यही लालच के कारण कुछ लोग शुरुआत में पैसा भरते थे, जैसे कि 1000 रुपये भरते थे उन्हें 1300 रुपये मिलता था, 2000 भरते थे 2500 रुपये मिलता था, 5000 रुपये भरते थे 7000 रुपये मिलता था, 7000 रुपये 9000 रुपये मिलता था। इस तरीके से लालच दे के उनसे मोटी रकम लूटने के बाद उन्हें ब्लॉक कर दिया था उन्हें रकम कहीं ना कहीं। ये एक फ्रॉड का नया तरीका ज़रूर नज़र आ रहा है। इस पूरे मामले पर जोन 6 के DCP हिमराज सिंह राजपूत ने देखिए क्या कुछ कहा है और किस तरीके से ये आरोपी को राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया गया है। जी, चुनावटी पुलिस स्टेशन में एक मार्च महीने में एक विक्टिम ने फिरियाद दी थी कि उसमें 4,32,000 इतनी अमाउंट साइबर फ्रॉडस्टर ने उनसे लूटी थी। जिस सिलसिले में उनको एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, वो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू एक उनको बताया गया था कि आपको इजी मनी मिलेगा एक पार्ट टाइम जॉब करके। तो उसमें जो लिंक दी गई थी उसके थ्रू वो टेलीग्राम ग्रुप में अटैच हुए थे। जिस टेलीग्राम ग्रुप में उनसे कुछ क्रेडेंशियल्स मांगे गए और क्रेडेंशियल्स मांगने के बाद में उनको टास्क दिया गया कि आपको कुछ वीडियोज लाइक करने हैं। जो वीडियो लाइक करने के बाद में उनको इनिशियली थोड़ी थोड़ी अमाउंट उनके अकाउंट में मिलती गई, लेकिन बाद में उनको ये बता के कहा गया कि आप अगर इनिशियली उस अमाउंट के अलावा अगर ज़्यादा अमाउंट भेजते हो तो उसमें 30% राइज मिल के आपको ज़्यादा अमाउंट आपके अकाउंट में आएगी। तो ऐसा करते करते अब तक विक्टिम ने 4,32,000 इतनी अमाउंट फ्रॉडस्टर्स के अकाउंट्स में डाले, लेकिन उनको ये अमाउंट वापस नहीं मिली थी। तो इस सिलसिले में चुनाबट्टी पुलिस स्टेशन ने अब तक 4 एक्यूज को अरेस्ट किया है राजस्थान से, अजमेर राजस्थान से। जिन एक्यूज के पास से हमको अब तक जिस सिलसिले में 22 मोबाइल फोन मिले, 32 इनके सिम कार्ड्स मिले हैं, 25 चेकबुक और 43 ATM कार्ड्स भी मिले हैं। ये एक्यूज के तहकीकात में हमने करीब 24 ऐसे बैंक अकाउंट जो एक्यूज यूज कर रहे थे वो अकाउंट आइडेंटिफाई करके उनको फ्रीज करवाया, जिसमें अब तक 97 लाख रुपीज हमने फ्रीज किए हैं। तो ये जो फ्रॉड था ये हम उसको पार्ट टाइम जॉब फ्रॉड या टेलीग्राम टास्क फ्रॉड भी कह सकते हैं, जिसमें सामने वाले के फ्रॉड सर के बहकावे में आके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे डालते हैं और जो वापस नहीं मिलते। इस तरह के फ्रॉड से किस तरह से बचना चाहिए, वो क्या आवाज़ जी? फ्रॉडस्टर्स कभी भी साइबर फ्रॉडस्टर्स खास करके आपको डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, फ़ोन ऐसे साधनों का इस्तेमाल करते हुए आपके माइंड गेम करते आपसे, जिसमें आपको कभी ऐसी बात बोलते हैं कि जो हम नॉर्मल लाइफ में अगर सोचेंगे तो ये हो नहीं सकता, ऐसे मान सकते हैं, लेकिन उस वक्त हमको बार बार ऐसी बातें आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपके सामने डाली जाती है या फिर आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उससे हम सोचना बंद कर देते हैं। और जब सोचना बंद होता है तो हम एक्शन को रिएक्शन देना शुरू करते हैं। जो सामने वाला जो चीज़ मांगता है वो हम हमारे क्रेडेंशियल्स देना शुरू करते हैं और उसके बाद में साइबर फ्रॉडस्टर 10-15 हज़ार से लेके करोड़ों रुपये तक ऐंठते हैं। मुंबई सिटी में इस सिलसिले में वेस्ट साइबर, माटुंगा पुलिस स्टेशन और पंतनगर पुलिस स्टेशन में 3 मामले ऐसे दर्ज है जो सेम मोडस ऑपरेंडी और सेम इसके बारे में जो एक्यूज्ड है उन्होंने विक्टिम्स को इस सिलसिले में गुमराह करके उनसे पैसे ऐंठे हैं। साथ में पैन इंडिया अलग अलग जगह पे भी इस तरीके के फ्रॉड इन लोगों ने किए हैं। कैमरा पर्सन अनस चेक के, जैन सैयद, मुंबई टीवी, कुर्ला।